हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस डिस्कस की थी। उसके आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक जो बीच में आ रहा था वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जेंडर रोल एंड डेवलपमेंट। जेंडर रोल एंड डेवलपमेंट में ये कह रहे हैं कि मोस्टली बच्चे 2 साल की एज तक अपना जेंडर पहचानने लग जाते हैं। वो गर्ल हैं बॉय हैं, उनके कपड़ों में डिफरेंसेस दिख जाते हैं उनको, और उनको पता चल जाता है कि हम मेल करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीमेल हैं। तो एक आइडिया बच्चों को लग जाता है कि उनका सेक्स क्या है। लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने सेक्स आइडेंटिटी को पहचानना और अपने जेंडर को पहचानने में बहुत फ़र्क है। सेक्स आइडेंटिटी पहचानना मतलब आपको ये पता चल गया कि आप फीमेल हो या मेल हो, लेकिन जेंडर को पहचानने का मतलब है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आप एक मेल हो तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह का बिहेवियर, अगर आप फीमेल हो तो किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। तो ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। बच्चे अपना सेक्स पहचान लेते हैं 2 साल तक कि हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हम बॉय हैं, हम गर्ल हैं, लेकिन वो अपना जेंडर नहीं पहचानते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जनरली, कि एक कल्चर में एक बॉय से क्या एक्सपेक्टेड होता है, एक कल्चर में एक गर्ल से क्या एक्सपेक्टेड होता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं, और ये एक तरीका है जिससे बच्चा अपने जेंडर रोल्स को पहचानता है। अपने पेरेंट्स को देख के, अपने फादर को देख के, अपने मदर को देख के वो अपने जेंडर रोल्स को पहचान पाते हैं कि एज अ फीमेल, अगर मैं फीमेल हूँ, मेरा सेक्स फीमेल है, तो मुझे एज अ फीमेल क्या रोल प्ले करना है और मेल हूँ तो क्या रोल प्ले करना है। तो जेंडर आइडेंटिटी मीन्स परसेप्शन ऑफ वंस जेंडर एंड बिहेवियर दैट इज एसोसिएटेड विद द जेंडर। तो इसके बाद हमारा जो समरी आती है यहाँ पे, साइको सोशल डेवलपमेंट involves development of personality, relationship, sense of being male, female. Process begins from infancy and continues into adulthood. तो psychosocial development, उसके बाद इसमें concepts क्या क्या आते हैं। पहली चीज़ कि temperament बच्चे का कैसा है, easy, difficult, slow to warm up। दूसरी चीज़ कि parenting environment कैसा है, बच्चों की attachment कैसी है parent के साथ। पेरेंट के रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि सिक्योर अटैचमेंट है, अवॉइडेंट है, एम्बिवेलेंट है कि डिसऑर्गेनाइज्ड है। एरिक्सन ने बोला कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, अदर के साथ, केयर गिवर के साथ, और हर स्टेज पे कोई ना कोई क्राइसिस होता है जिसको हमें सक्सेसफुली मीट करना होता है, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। और फिर जेंडर रोल डेवलपमेंट में पहले तो बच्चे को खाली ये रियलाइज होता है कि उसका सेक्स क्या है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, रोल क्या है। इससे रिलेटेड क्विज जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा एडोलेसेंस। तो क्विज है कि अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड चेस, अ चाइल्ड दैट इज वेरी इररेगुलर इन स्लीपिंग एंड ईटिंग, रेजिस्ट चेंज एंड इज नेगेटिव एंड लाउड, ऐसे बच्चे को आप क्या बोलोगे? ईजी, डिफिकल्ट, स्लो टू वार्म अप, नेगेटिव। तो बहुत लाउड है, उसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है सोने उठने का खाने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट चाइल्ड। व्हाट काइंड ऑफ अटैचमेंट अकॉर्डिंग टू एंसवर्थ इज शोन बाय अ बेबी हु एक्सप्लोर्स द रूम, गेट्स अपसेट व्हेन मदर लीव्स, बट इजीली सूथ एंड हैप्पी टू सी हर मदर रिटर्न। जो बच्चा रूम में एक्सप्लोर करता है, इधर उधर घूमता है, मम्मी बाहर जाती है तो अपसेट हो जाता है, वापिस आ जाती है तो ईजिली मान जाता है और खुश होता है बहुत, तो उसको किस तरह की अटैचमेंट बोला है एंसवर्थ ने? सिक्योर अटैचमेंट। मदर हुवर अब्यूसिव और नेग्लेक्टफुल, जिनकी मदर बहुत अब्यूसिव और नेग्लेक्टफुल है, उनकी अटैचमेंट किस टाइप की है? डिसऑर्गेनाइज्ड और डिसओरिएंटेड। और चौथा क्वेश्चन है एरिक्सन के ऊपर, डैश स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स सेल्फ कंट्रोल एंड बिगिंस टू फील मोर केपेबल। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें वो सेल्फ कंट्रोल सीखता है और बहुत अपने आप को केपेबल समझता है? तो सेल्फ कंट्रोल मींस ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इस स्टेज में वो सेल्फ कंट्रोल, अपने आप अपना बिहेवियर डायरेक्ट करना सीखता है। अब आगे चलते हैं एडोलेसेंस पे।
इन्फेंट कवर कर लिया हमने, इन्फेंट की हमने कॉग्निटिव इमोशनल फिजिकल सोशल डेवलपमेंट पढ़ी है, अब आती है एडोलोसेंट, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स की डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। एडोलोसेंट पीरियड किसे कहते हैं, 13 ईयर्स से शुरू, आजकल वैसे इसको 11 से माना गया, अगर आप लेटेस्ट डेटा देखोगे तो एडोलोसेंट को 11 से ही स्टार्ट किया गया है, तो 11 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक नॉर्मली आजकल एडोलोसेंट पीरियड बोला जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक 13 ईयर्स टू अर्ली 20s एडोलोसेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है, नो लॉन्गर द पर्सन इज नो लॉन्गर फिजिकली अ चाइल्ड बट इज नॉट येट इंडिपेंडेंट और सेल्फ सपोर्टिंग एडल्ट। बच्चा फिजिकली तो चाइल्ड होता नहीं है, बच्चा तो होता नहीं है एडोलोसेंट एज में, बड़ा लगता है देखने में, बड़ा हो जाता है, फिजिकली तो बड़ा हो जाता है, बट फिर भी वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो सेल्फ सपोर्टिंग एडल्ट नहीं होता है। तो ये एडोलोसेंट एज होती है जिसमें वो ना तो वो एडल्ट होता है ना वो चाइल्ड होता है, बीच की स्टेज होती है, इसलिए बच्चों को भी बहुत कंफ्यूजन होती है, वो अपनी आइडेंटिटी समझ नहीं पाते हैं, कभी उनको बच्चों की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता है, कभी उनके साथ बड़ों की तरह बिहेव किया जाता है, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ों की तरह रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है प्रॉपर एडल्ट की तरह। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेज होती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ, ये बच्चों के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है और पेरेंट के लिए भी इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और पहले जैसे टीन्स बोला करते थे, टीनेजर्स 13 से 19 तक टीनेजर्स को बोलते हैं, लेकिन टीनेजर एक प्रॉपर एडोलोसेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 13 to 19 नहीं होती है, ये 11 से ही शुरू होना शुरू हो जाती है और 21 ईयर्स तक एटलीस्ट एक ये एज रहती है जब तक बच्चा डिपेंडेंट नहीं हो पाता है पूरे तरीके से, अपने अपने लिए खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाता है ढंग से। तो इस स्टेज में सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और फिजिकल डेवलपमेंट में प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, तो एडोलेसेंस शुरू होने का जो फर्स्ट साइन है वो प्यूबर्टी है। अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट साइन ऑफ एडोलेसेंस, बिगनिंग ऑफ एडोलेसेंस एज इज, तो यू विल राइट प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी क्या है, जब हमारे प्राइमरीली सेक्स करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस आते हैं, हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है उसमें प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ ऑफ एक्चुअल सेक्स ऑर्गन्स लाइक पेनिस और यूट्रस। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि बॉडी में चेंजेस हो जाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी हेयर डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, इस तरह के। तो प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जब एडोलोसेंट उसमें एडोलोसेंट चाइल्ड में, चाइल्ड कह लो या एडोलोसेंट कह लो, एडोलोसेंट में बहुत जल्दी से रैपिड ग्रोथ होती है और सेक्सुअल डेवलपमेंट पीक पे आती है उसके। तो उसमें उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वहीं से एडोलोसेंट एज स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी जो है वो कौन से ग्लैंड की वजह से स्टिमुलेट, कौन सा ग्लैंड होता है जो इसलिए इसके लिए मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल है, वो मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, मेजरली ये है प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल। और फर्दर थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हमारी ग्रोथ रेट को उस टाइम पे बहुत इंक्रीज कर देता है, बहुत जल्दी से हमारी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है प्यूबर्टी के बाद, फिजिकली बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों की हाइट और मसल्स वगैरह फटाफट ग्रो करने शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी की एज पे। एड्रीनल ग्लैंड्स और सेक्स ग्लैंड्स हैं, ये भी बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो बेसिकली ग्लैंड्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी हेयर, मसल टिश्यूज, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें सारा हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स का रोल होता है जो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पे। प्यूबर्टी ऑफन बिगिंस अबाउट 2 ईयर्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ स्पर्ट। तो ग्रोथ स्पर्ट भी एक वर्ड है जो आपको बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब रैपिड ग्रोथ, एकदम से ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है जब हम एकदम ग्रो करना शुरू करते हैं। रैपिड पीरियड ऑफ ग्रोथ दैट टेक प्लेस एट अराउंड एज 10 फॉर गर्ल्स एंड 12 फॉर बॉयज। 10 एज गर्ल्स की जब ये ग्रोथ स्पर्ट आता है और 12 बॉयज की, और ग्रोथ स्पर्ट के 2 साल बाद प्यूबर्टी मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू होती है। तो ग्रोथ स्पर्ट जब शुरू होता है लड़कियों के लिए 10 साल, बॉयज के लिए 12 साल में, उसके 2 साल बाद प्यूबर्टी आती है, ठीक है। तो हाइट में इंक्रीज होता है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते हैं,
रैपिड चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ये जो रैपिड ग्रोथ का पीरियड है एडोलेसेंट का, इसी की वजह से इसको कभी कभी पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोलते हैं. ये बहुत ही तनाव वाला पीरियड होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एकदम से उनके अंदर इतने चेंजेस आने लग जाते हैं कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं. जब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उनके मूड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका. हम पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट में भी, उनकी जितनी भी डेवलपमेंट है, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, सबके अंदर इतने फास्ट चेंजेस आ रहे होते हैं कि बच्चों के लिए वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए सडनली उनका मूड स्विंग होता है एकदम से, उनकी कभी कभी लगता है कि पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, कल तो किसी और तरीके से लग रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं. पेरेंट्स भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, उनको भी लगता है इनको किस तरीके से हैंडल करिए, रोज ही बदल जाते हैं. वो बच्चे खुद नहीं अपने आप को हैंडल कर पा रहे होते क्योंकि उनके अंदर इतने चेंजेस हो गए. तो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड होता है. इस टाइम पे बहुत सपोर्ट चाहिए होती है एडोलेसेंस को उस चीज़ को हैंडल करने के लिए. बहुत ही केयरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग और सपोर्टिंग पेरेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि ये चीज़ें होंगी, उनके साथ भी हुई हैं, तो उनको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है बच्चों के साथ. उनको समझना चाहिए कि हर किसी एडोलेसेंट के साथ ये होगा, तो उसको साथ साथ उसको भी समझाना चाहिए और उसको हैंडल करना बहुत डेलिकेटली चाहिए, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसके साथ पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए तो नई चीज़ है. तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड इसलिए माना गया है. तो ये इसका फिजिकल डेवलपमेंट था. अब इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो से फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एडोलेसेंट एज में बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है. तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.